दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कस्टम नंबर प्लेट्स, वो भी अपने फोन में। एंड देन इनको आज हम इंस्टॉल करेंगे अपने GTA 5 गेम में। यकीन करो नंबर प्लेट्स को बनाना बहुत ही आसान है एंड ये देखने में इतनी बाइक क्लियर एंड पक्कर इतनी कमाल की लगती है कि आप भी इनको बनाने के बगैर इस वीडियो से नहीं जाओगे। सबसे पहले अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपने न्यू डिस्क पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को कट कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद हमने डबल टी पर टैप करके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ए में जाएंगे। ए में जाने के बाद हम यहाँ पर कलर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कलर में आप जो भी चाहो रख सकते हो, जैसे मैंने येलो रखा है तो मैं येलो पर टिक करके इसको सिंपली टिक कर दूंगा। देन हमने थोड़ा नीचे करके फॉन्ट में जाना है। अभी आप जो भी चाहो फॉन्ट रख सकते हो, जैसे मैंने डेज वाला फॉन्ट रखा है इसको मैंने टिक कर दिया। फॉन्ट अपना ओके हो गया। अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हमें स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी चाहो कलर रख सकते हो, जैसे मैंने रेड रख दिया है। उसके बाद हम सिंपली इसको टिक कर देंगे। ये सब करने के बाद हमने इस ऑप्शन में जाना है। उसके बाद कलर में जाकर कलर में ब्लैक कलर सिलेक्ट करके इसको टिक कर देंगे एंड सिंपली इसका साइज थोड़ा नेम का बड़ा करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने इस फोटो को एल्बम्स में ओपन करना है। उसके बाद एडिट पर टैप करके क्रॉप पर टैप करेंगे। उसके बाद जैसे मैं क्रॉप करूँ वैसे अभी क्रॉप कर देना। क्रॉप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना जो नेम है ना नंबर प्लेट्स पर बिल्कुल क्लियर दिखे। अभी हमने इस फोटो को अपने पीसी में ट्रांसफर कर देना है। नाउ हमने अपने ओपन आईडी को ओपन करके सिंपली एडिट मोड को इनेबल कर लेना है। उसके बाद एक 64E वाले फोल्डर पर क्लिक करके इसको कॉपी टू मोड्स फोल्डर पर क्लिक करेंगे। देन थोड़ी देर में ही अपना ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने लेवल्स में जाना है, देन GTA 5 में। उसके बाद vehicles.rpf में जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे बीशर। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वैसे आप भी सर्च कर देना। आपके सामने भी मेरी तरह कुछ फाइल्स आ जाएंगे। हमने bsher.ytd वाले फाइल पर राइट क्लिक करके इसको एडिट कर देना है। उसके बाद plate01 पर क्लिक करके इसको सिंपली रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। देन हमने जहाँ पर भी अपना फोटो ट्रांसफर किया है उस पर सिंपली क्लिक करके ओके कर देंगे। इसी तरह plate1-n पर क्लिक करके रिप्लेस में जाएंगे एंड अपने फोटो के साथ इस नंबर प्लेट को भी रिप्लेस कर देंगे। अभी अपनी एक नंबर प्लेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है अपने GTA 5 के अंदर। नाउ हम ऐसा करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही हमने 5 नंबर प्लेट्स को रिप्लेस कर देना है। टोटल अपनी गेम में 5 नंबर प्लेट्स होती हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करते जाना। फाइनली सारी नंबर प्लेट्स को रिप्लेस करने के बाद हमने सेव पर क्लिक करके ओपन आईडी को क्लोज करके सिंपली अपनी गेम को ओपन कर देना है। गेम में आने के बाद हमने अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्पोनर में आएंगे। देन हमने स्पोनर मोड को इनेबल करके अपनी गाड़ी के ऊपर ये प्लस वाला आइकन रख के राइट क्लिक करना है। देन थोड़ा नीचे आकर मेन्यू कस्टम्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको यंगटन नेम से एक नंबर प्लेट दिखेगी। इसको सिंपली लेफ्ट एरो से एडिट कर देंगे। उसके बाद नीचे जो आपका जो भी नेम होगा नंबर होगा जो भी लिखा होगा इसको सिंपली एंटर करके ओपन करेंगे। देन हमने इस नेम को कट करके यहाँ पर एक डॉट टैप कर देना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखोगे तो आपकी नंबर प्लेट अपडेट हो जाएगी एंड आपने जो भी नेम रखा होगा वो आपकी गाड़ी पर आ जाएगा। इसी तरह आप अपनी मोबाइल में कस्टम नंबर प्लेट्स बनाकर अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर मेरे और ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हो। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका भी चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह।